जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार किसानों को सब्जियों के बीज को तैयार करके किसानों को सब्सिडी रेट पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कद्दू, करेला, टमाटर, खीरा और कई अन्य सब्जियों के बीज तैयार किए गए हैं। सभी किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह फायदेमंद कदम है जिससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स की जो ये लगाई गई हैं तो लोगों को भी डिस्प्यूट की जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? जी, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पहली बार जो है नेचुरली वेंटिलेटेड पाली ग्रीन हाउस जो है यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया। इसका यही मकसद था कि हम जो है सीडलिंग जो है अर्ली तैयार कर लें ताकि हमारे किसान भाइयों को हम ये दे सकें ताकि वो जल्दी जो है ये फसल जो है खरीफ की वो तैयार करके उनको मार्केट में अच्छा प्राइस मिले। तो इस बार हमने तकरीबन 1,00,000 सीडलिंग यहाँ पर तैयार की है, जिसमें हमारा कुकर बीट्स हैं, कद्दू है, करेला है, खीरा है, उसके अलावा हमारे पास मिर्च है, बैंगन है और टमाटर है, और उसके बाद जो हमारा हायर अल्टीट्यूड है जैसे लोरन बफलियाज का इलाका है वहाँ के लोगों के लिए भी हमने जो है लोल खोल जिसको हम कड़म कहते हैं उसकी पनीरी भी यहाँ पर तैयार की गई है। और हम हमारा यही है कि हम सब्सिडाइज रेट पर, नॉमिनल रेट पर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही जो है ये किसानों को दे सकें। और आला किस्म का बीज जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो ये पहली बार भी है, पहली बार ही हमने ये कोशिश की है यहाँ पर, तो बड़ा सक्सेसफुल है, लोगों का रिस्पांस भी बड़ा अच्छा है। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने लोग अब ले गए हैं आने वाले वक्त में हमारा जो लॉट्स है ये कुछ सीडलिंग हमने 16 फरवरी को यहाँ पर सोइंग की थी वो लॉट तैयार हो चुका है, और आने वाले दिनों में हमने जो जैसे जैसे ये लॉट तैयार होते जाएंगे हम किसानों को ये तकसीम करते जाएंगे, और जो हमारे ये जो भी हमारा किसान भाई यहाँ पर आता है वो देखता है कि इस किस्म का अगर 2-3 स्ट्रक्चर जो है प्राइवेट हम किसानों को भी आने वाले वक्त में इस पर सब्सिडी मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे प्राइवेट लोग भी जो हैं इस किस्म के जो पाली हाउस एस्टेब्लिश कर सकें, मंडी का इलाका हुआ या हमारा सुरनकोट का है, मेंढर का है, ताकि ये फ़ायदा जो है उन किसानों तक भी पहुंच सके। आज जो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में, यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है एग्रीकल्चर की तरफ से, यहाँ पर जो सीड लगा के बूटियाँ टाइप तैयार करके लोगों को प्रोवाइड की जाती है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके चीफ एग्रीकल्चर साहब को, कि उन्होंने ये कदम उठाया, इससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे स्टेप वो करें जिससे हमारे किसान भाइयों को और भी फायदा हो। धन्यवाद। पुंछ से दी अर्थ न्यूज़ के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट।